हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर लेंस रिव्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ स्काईविक सिग्नी का 75mm मैक्रो लेंस, जो कि रिसेंटली स्काईविक ने मुझे भेजा था। तो इस लेंस का प्राइस 3000 रुपीज़ है अमेजोन पर और उनके ऑफिशियल साइट पर। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ सैम्पल फोटोज़ और वीडियोज़ दिखाता हूँ और मेरा इस लेंस के बारे में क्या रिव्यू है वो भी बताता हूँ। और अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इस लेंस के साथ हमें क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस लेंस के साथ हमें कैरी पाउच देखने को मिलता है, जो कि कपड़े का बना हुआ है और उसकी क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। तो इसे ओपन करने के बाद फर्स्ट हमें देखने को मिलता है एक लेंस का क्लिप, जिसे हम फ़ोन पर माउंट करेंगे। उसके बाद हमें मिलता है एक डिफ्यूज़र या फिर हुड। तो इस डिफ्यूज़र का यूज़ ये है कि हम इससे लाइट को ब्लॉक कर सकते हैं और इंसेक्ट के ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं विदाउट उसको डिस्टर्ब करें। उसके बाद हमें मिलता है ये अपना मेन लेंस, फिर एक क्लीनिंग क्लोथ जिसके ऊपर स्काईविक की ब्रांडिंग है, और एक सेकेंडरी कैरी पाउच जिसे आप अगर आप चाहे तो लेंस को इसके अंदर डालकर पॉकेट में भी रख सकते हैं, अगर आपको इतना बड़ा केस कैरी नहीं करना है तो। और उसके बाद फाइनली हमें इस चेन के अंदर एक हुक देखने को मिलता है, जिसे हम यहाँ पर लगा कर कहीं भी टाई कर सकते हैं। तो ये सब कंटेंट्स हमें इस लेंस के साथ मिलते हैं। तो आई थिंक इसके वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है। तो अब मैं आपको इसके सैंपल्स दिखाता हूँ। तो अगर इस लेंस के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हमें ये लेंस मिलती है एल्यूमिनियम की बनी हुई। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेंस है। इसके साथ जो कैप मिलती है वो भी हमें एल्यूमिनियम की मिलती है, और इसकी जो लेंस की क्लिप है वो हार्ड प्लास्टिक से बनी हुई है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसकी जो ग्लास है वो भी अच्छे क्वालिटी के ग्लास से बनी हुई है, तो हमें डिटेल्स और शार्पनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे पर्सनली स्काईविक सिग्नी के जो लेंसेस होते हैं उसका फिज़िकल लुक बहुत अच्छा लगता है। वो दिखने में भी स्टाइलिश होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं और स्टर्डी होते हैं, तो आप उन्हें गिरा भी देते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला, और इनके लेंसेज भी बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें लेंस को अपने फ़ोन के मेन कैमरा में अलाइन करना होता है सेंटर में, तो जिससे हमें डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता। तो अब बात करते हैं लेंस के डिस्टॉर्शन के बारे में। तो आप में से जो कोई भी मैक्रो लेंस यूज़ करता होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेंसेस में हमें एजेस पर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, जो कि एक ब्लर इफेक्ट या फिर खींचा हुआ सा इफेक्ट होता है। तो इस लेंस में हमें ज़ीरो डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है एजेस पर, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो लेंस है ये एक 75mm का लेंस है। तो इसका मेन यूज़ ये है कि हम इसे वेरिएबल फोकस पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो बहुत सारे मार्केट में जो मैक्रो लेंसेज आते हैं उसका जो फोकस पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, बट ये लेंस जो है ये वेरिएबल फोकस पर काम करता है। तो आप सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज भी जाकर फोटो ले सकते हो और बहुत ज़्यादा दूर जाकर भी फोटो ले सकते हो। तो हमें एजेस पर थोड़ा सा विग्नेटिंग देखने को मिल सकता है, तो ऐसे कंडीशन में हम 2x पर जूम कर लेंगे तो जिससे हमें क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और साइड में एजेस में विग्नेट भी नहीं दिखेगा। तो प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारे प्रोज देखने को मिलते हैं और बहुत कम कॉन्स देखने को मिलते हैं।
तो प्रोज़ में सबसे पहले कि हमें एक हाई क्वालिटी की ग्लास देखने को मिलता है। इसका जो ग्लास का मटेरियल है वो बहुत अच्छा और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, और बिल्ड क्वालिटी भी लेंस का बहुत अच्छा है, जो कि आपको पहले से ही पता है एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो दूसरा एक प्रो इसका ये है कि हमें इसके साथ हुड देखने को मिलता है या फिर डिफ्यूज़र। तो जो डिफ्यूज़र है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, हमें बहुत ज़्यादा हार्श लाइट में अगर शूट करना है तो बहुत अच्छे से लाइट को कट करने का काम वो करता है, और आप अगर इंसेक्ट को शूट कर रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है अगर आप हुड को यूज़ कर रहे हैं। तो तीसरा प्रो ये है कि इसके साथ हमें ज़ीरो डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, जो कि मैंने कुछ महीनों पहले स्काईविक के 20x मैक्रो लेंस को रिव्यू किया था, उसमें हमें देखने को मिल रहा था डिस्टॉर्शन एजेस पर। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है, उसका रिव्यू देखना है, तो आपको आई बटन में लिंक देखने को मिलेगा। और फोर्थ अगर प्रो देखने को जाएंगे तो वो है लार्ज फोकसिंग एरिया और डिस्टेंस। तो हमें बहुत ही ज़्यादा फोकसिंग एरिया देखने को मिलता है, अनलाइक कि फिक्स्ड फोकसिंग एरिया। तो आपको ये भी पहले से ही पता है कि वेरिएबल फोकसिंग इसमें मिलती है हमें 35 mm से लेके 75 mm तक की। तो अब अगर कॉन्स की बात करें तो मुझे इसका जो प्राइस है वो बहुत हाई लगा, जो कि है 3000 रुपीज़। और आपको इस लेंस का बेस्ट बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो आपको जो मैग्नीफिकेशन है वो उतना नहीं मिलता है जितना आपको प्राइस के हिसाब से देखना चाहिए। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो मुझे 20x के आसपास ही लगा। बस इसका एक ही हमें फ़ायदा ये है कि डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता। तो अगर इस लेंस का जो मैग्नीफिकेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता तो हमें और बेटर क्वालिटी देखने को मिलती, मीन्स अपने को जूम ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन वो प्रॉब्लम सॉर्ट की जा सकती है अगर आपका फ़ोन का कैमरा अच्छा है, आप 2x में शूट कर सकते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है सिर्फ। तो अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि क्या मैं इस लेंस को रिकमेंड करूँगा, तो यस, मैं इस लेंस को रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट का इशू नहीं है और आपको अच्छी क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी देखनी है। तो मुझे लगता है कि मैंने इस लेंस के सारे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको इस लेंस के बारे में कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम ID है @visualoutcomes, जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आप साइड में देख भी सकते हो। और अगर आपको इस लेंस के और फ़ोटोज़ देखने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, मैं अभी डेली पोस्ट करता हूँ। और तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे पिछले लेंस रिव्यू के वीडियो भी देख सकते हो, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार करके रखी है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।